भैया हमारे दादाजी का काम भी पाकिस्तान में यही था जी। पाकिस्तान से ये आपने छोले चलते आ रहे हैं? हाँ जी भैया जी। तो पाकिस्तान से कितने कितना टाइम हो गया आपको यहाँ छोले? भैया 1954 से 100 भैया वाली ये 54 से। हाँ जी, और मैं थर्ड जनरेशन हूँ जी। आप थर्ड जनरेशन हो? हाँ जी। दोस्तों आज हम आ चुके हैं रावलपिंडी छोले भटूरे वालों के यहाँ, जो कि है कमला नगर में। और भाई अगर आप कमला नगर की तरफ आ रहे हो, आपने रावलपिंडी के मशहूर छोले भटूरे नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। वीडियो एंड तक देखना, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। चलते अंदर भैया से कराते हैं और आपको दिखाते हैं छोले भटूरे। चलो दोस्तों आज हम आए रावलपिंडी छोले भटूरे वालों के यहाँ, जो कि लोकेटेड है कमला नगर के अंदर। और भाई अगर आप कमला नगर आओ और इनके छोले भटूरे ना खाओ तो भाई वेस्ट है आपका कमला नगर की मार्केट में आना और शॉपिंग करना। भटूरे देख लो कैसे उबलते हुए भटूरे भैया बना रहे हैं, इतने बढ़िया भटूरे ये देख लो। और भैया के बाद लाइन लगी रहती है ये यहाँ पे भटूरे वाले भैया बैठे। भैया कितने भटूरे बना लेते हो दिन में? बना लेते हो 50-60 प्लेट? ज़्यादा बना लेते हो? अच्छा घाटा हो जाएगा, बनाए तो 500 प्लेट कम से कम। अच्छा बस बनाते रहते हो ये बताएं। ये लो भाई, तो चलिए बात कराए तो पहले भैया जी से। अच्छा स्टफिंग करते हो इसमें आलू की आप अंदर? तो लो जी भैया जी नमस्कार। भाई नमस्कार जी। भैया जी अपने जो रावलपिंडी के छोले भटूरे, पहले तो ये बता दो रावलपिंडी नाम कैसे पड़ा इनका छोले भटूरे? भैया हमारे दादाजी का काम भी पाकिस्तान में यही था जी। तो पाकिस्तान से ये आपने छोले चलते आ रहे हैं? हाँ जी भैया जी। तो पाकिस्तान से कितने कितना टाइम हो गया आपको यहाँ छोले? भैया 1954 से 100 भैया वाली फोर से। हाँ जी, और मैं थर्ड जनरेशन हूँ जी। आप थर्ड जनरेशन हो? हाँ जी। तो ऐसा क्या यूनिक बनाते हो जो इतनी भीड़ लगी रहती है सुबह शाम तक आपके पास? भैया ये तो इनमें सबसे हमारे छोले अनारदाना होता है। अच्छा, और मसाले एकदम हल्के होते हैं। मसाले अपने होते हैं? मसाले बनाते खुद, कोई बाहर का कोई मसाला नहीं है जी, खुद खुद बनाएंगे जी। अच्छा खुद मसाले बनाते हैं जी? हाँ जी। हाँ जी। कितने बजे सुबह? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे? 8 बजे से? हाँ जी। हाँ जी। और किस टाइम तक रहते हैं? 3:30 बजे तक। तीन साढ़े तीन बजे तक। 3:30 बजे तक लास्ट। और छोले दिखा दो मतलब जी, इस तरीके से तैयार करके लाते सभी यहीं पर ही होती है जी? सब यही होती है। 80 रुपया पैकेट है भैया। ये किस चीज की चटनी है भैया? भैया पुदीना धनिया अनारदाना। जी कितने भैया? कितना रुपए प्लेट होती है भैया अपनी? भैया आलू वाली 70, पनीर वाली 80। अच्छा आलू वाली 70, पनीर वाली 80। हाँ जी स्टफिंग हुई जी। अच्छा उसके अंदर स्टफिंग होती है। अबे जोमेटो और दे दे, तो हमारी भी जोमेटो दो फटाफट, हम भी चेक करें। यार दो प्लेट का पैकेज मैं दूं क्यों मांग रहे हो? छोले खा रही है ये बड़े दो छोले। भैया एड्रेस क्या पड़ता है अपना? भैया मलकागंज चौक नियर भाई हंसराज कॉलेज। नियर हंसराज कॉलेज इंडिया 24/7 हंसराज कॉलेज के बिल्कुल पास में। यार भीड़ इतनी थी कि हम सीधा आपको छोले भटूरे हमारे आ चुके हैं यहाँ पे आ चुके हैं, भीड़ इतनी थी भैया के पास कि आपको प्रिपेयर करते हुए थोड़ा सा नहीं दिखा पाया। बट भाई अल्टीमेट ये लग रहे हैं। और छोले की अगर आप रंगत देखो ना, जैसे भैया बता रहे हैं कि इनके पिताजी थर्ड जनरेशन है और रावल पाकिस्तान से इन्होंने आके यहाँ पे दुकान अपनी शॉप स्टेबल करी थी। ये जो चटनी है भैया की, पुदीने की, धनिए की, और भैया ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो इनकी चटनी है, अलग चटनी है थोड़ी सी। और अगर भटूरे की बात करूँ, छोटे भटूरे स्टफिंग वाले भटूरे हैं, पनीर वाले, अंदर पनीर डाला हुआ है और हाजमे के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या है भैया बता रहे थे। तो बताता हूँ आपको पहले टेस्ट छोले का। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो छोले का साइज़ बिल्कुल अच्छे वाले छोले हैं, बेस्ट क्वालिटी के छोले हैं। उसके साथ दिए भैया ने हरी मिर्च, तो ये करते हम चेक। ये लिए भाई हम अपने छोले और ये आया चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी। ज़बरदस्त भाई खाना, मज़ेदार। भाई अगर मैं बात करूँ छोले भटूरे की टेस्ट की, अल्टीमेट टेस्ट है भाई, बिल्कुल अलग टेस्ट है। मजाक नहीं कर रहा, जो भैया मसाले बता रहे हैं ये सच में ही कुछ अलग मसाले हैं। मैंने तो मार्केट में अभी तक ऐसे मसाले तो नहीं खाए, आसपास भी अपने मैंने जहाँ भी खाए हैं पर ऐसे मसाले नहीं खाए। तो भाई इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कमला नगर की तरफ आ रहे हो
तो भाई फटाफट आ जाओ अगर छोले भटूरे लवर हो, या आपको सुबह का ब्रेकफास्ट भी करना है ना, 8 बजे भैया की शॉप ओपन हो जाती है, 3-3:30 बजे तक सारा मामला भैया का ख़त्म हो जाता है, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। छोले एक बार देख लो आप फिर से, और चटनी जो है इसकी भाई चटनी के साथ इतने अच्छे लग रहे हैं, चटनी के साथ ही तो अलग ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, अलग ही टेस्ट आ रहा है इनका भाई। मैं तो ले रहा हूँ अपने रावलपिंडी छोले भटूरों के मजे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर फटाफट जाएगा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लो जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।